गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेदर एंड सीजन। ओके, मौसम एंड ऋतु के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके ईवीएस बुक में दिया हुआ है, लेसन नंबर 18, वेदर एंड सीजन्स। ओके, नाउ सी द पैराग्राफ। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर। हमारा अर्थ किससे सराउंडेड है? एयर से। ओके, समटाइम्स दिस एयर बिकम्स हॉट एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कोल्ड। क्या होता है, कभी कभी जो हवा होता है बहुत ठंडा चलता है और कभी कभी बहुत गर्म हवा चलता है ना, कभी ठंडा कभी गर्म। द कंडीशन ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड वेदर। जो कंडीशन होता है, द कंडीशन ऑफ द एयर क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेसेस में वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ओके, वो दिस इज कॉल्ड एयर। ओके, वेदर कीप चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर होता है डे टू डे एंड हवर टू आवर, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में, या एक एक दिन में। हर दिन क्या होता है, जो वेदर होता है जो, वो चेंज होते रहता है। द सिमिलर टाइप ऑफ वेदर ऑफ फॉर मैनी डेज इज कॉल्ड सीजन। जो सिमिलर टाइप्स के वेदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सीजन्स, नोन एज सीजन। ओके, देन देयर आर थ्री मेन सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने मेन सीजन है? थ्री। ओके, नंबर वन इज समर सीजन, विंटर एंड रेनी। थ्री मेन सीजन इन इंडिया, समर, विंटर एंड रेनी। ओके, नाउ से सबसे पहले हम समर सीजन देखते हैं। द हॉट सीजन इज कॉल्ड समर सीजन। जो गर्मी का मौसम होता है, जो हॉट सीजन्स होता है, उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड समर सीजन। इट लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून। वो अप्रैल से लेकर जून तक रहता है। ओके, द वेदर इज एक्सट्रीमली नॉट ड्यूरिंग दिस मंथ, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीज़न में क्या होता है, गर्म गर्म हवा चलता है, बहुत गर्मी लगता है। ओके, बहुत लू चलता है ड्यूरिंग समर सीज़न। इस सीज़न में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत लू चलता है। ओके, गर्म गर्म हवाएं चलती है इस सीज़न में, इससे ज़्यादा ठंड भी नहीं होता, ज़्यादा बारिश भी नहीं होता इस सीज़न में, बट गर्मी बहुत होता है, लू बहुत चलता है इस सीज़न में। आप दोपहर के टाइम में, जो आफ्टरनून का जो टाइम होता है, इस टाइम में आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। ओके, और पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स। और हम लोग क्या करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन की क्लोथ्स पहनते, जिसको हमको पहन के अच्छा फील हो। ओके, ठंडा लगे। ओके, और दे यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर। और क्या करते हैं, फ़ैन का यूज़ करते हैं, एसी, कूलर। ओके, ताकि गर्मी ना लगे, अपने आप को ठंडा करने के लिए हम एयर कंडीशनर, एसी, फैंस का ही हम यूज़ करते हैं। दे लाइक टू हैव आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। और हम क्या खाना पसंद करते हैं, ठंडा चीज़ खाना पसंद करते हैं, लाइक आइसक्रीम, जूस। ओके, नाउ विंटर सीजन, जो ठंडा का मौसम अभी चल रहा है। ओके, इसको बोलते हैं विंटर सीजन, जिसमें हमको बहुत ठंडी लगती है ना, जैसे अभी हमको ठंडा लग रहा है। द कोल्ड सीजन इज कॉल्ड विंटर सीजन। कोल्ड सीजन को कौन सा सीजन बोला जाता है, विंटर सीजन। इट लास्ट फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। ये नवंबर के लास्ट से जनवरी तक ये ठंड होता है। ओके, नवंबर से स्टार्ट होता है एंड जनवरी तक रहता है। इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दिस मंथ। इस मंथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो। और क्या होता है, ठंडी तो लगती है और ठंडा ठंडा हवा चलता है, कहीं कहीं तो स्नोफॉल्स होता है, जो हिली एरिया से वहाँ उसकी बूंदे बहुत गिरता है, आइस बहुत गिरता है, बर्फ बहुत गिरता है। ओके, इससे क्या होता है, जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा लगता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ओके, और हम अपने आप को बचाने के लिए ठंड से क्या यूज़ करते हैं, क्या वियर करते हैं, पीपल वियर वूलन क्लोथ्स। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जिससे हमको ठंड ना लगे। एंड नेक्स्ट, दे यूज़ फायर एंड हीटर्स। और हम क्या करते हैं, आग जला के बैठते हैं, तापते हैं, जिससे हमको ठंड ना लगे, अपने आप को गर्म करने के लिए। दे लाइक टू हैव फूड, हॉट फूड। और हम गर्म खाना पसंद करते हैं, कॉफ़ी, मिल्क। ओके, और हम धूप में भी जाके क्या करते हैं, बैठते हैं, ताकि हमको ठंड ना लगे। देन रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स बारिश का जो मौसम होता है, ठीक है। और रेनी सीजन को और क्या बोलते हैं, हम मानसून सीजन भी बोलते हैं। द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन। इट लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। वो जुलाई से सेप्टेम्बर तक होता है। द मॉइस्ट विंड बिलो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स
the land and bring rains. Some places receive heavy rainfall while some places seldom get rain. People use umbrella and rain coats during this season to go out in the rain. They like to have hot snacks and tea during rains. और ये जो मौसम होता है, जो मानसून के सीजन्स होता है, वो कब स्टार्ट होता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक. इस सीज़न में कभी कभी बारिश भी होती है. ओके, कभी कभी क्या होता है, ये देखो रेनी सीज़न तो बारिश का सीज़न ही होता है. ओके, बहुत ज़्यादा बारिश होता है इस मौसम में और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, हमको ठंड भी लगता है. और हम अपने आप को बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या वियर करते हैं? रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला, है ना. कहीं हम जाते हैं तो बारिश से बचने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स का यूज़ करते हैं. और हम गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं. जैसे ठंडी के मौसम में हमको अच्छा लगता है ना गरम गरम, वैसे रेनी सीज़न में भी क्या होता है, बारिश होती है तो बहुत ठंड भी लगता है. तो हम हॉट स्नैक्स, गरम गरम चीज़ें, टी, कॉफ़ी हम खाना पसंद करते हैं. ओके, देन अभी तो हमने थ्री मेन सीज़न तो हमने पढ़ लिया, समर, विंटर एंड रेनी. और हमारे इंडिया में टू मोर सीज़न भी होते हैं, और भी दो सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया में. ठीक है, कौन से होते हैं? देखिए, स्प्रिंग सीज़न एंड ऑटम सीज़न. और दिस सीज़न लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज़. ये सिर्फ फ्यू डेज़ के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है ये. ज़्यादा दिनों के लिए ये नहीं होता है, 3-4 मंथ्स के लिए ये नहीं होता है. ओके, जो स्प्रिंग सीज़न होता है ये फेब्रवरी टू मार्च, फेब के लास्ट में स्टार्ट होता है और मार्च तक ही होता है. इस सीज़न में क्या होता है, जो हमारे मौसम होते हैं, जो क्लाइमेट होता है, बहुत अच्छा दिखता है, एकदम ग्रीन ग्रीन हो दिखता है. खूब सारे फ्लावर्स होते हैं इस सीज़न में, देखने में बहुत सुंदर लगता है. ओके, न्यू फ्लावर्स आते हैं और जो हमारा वेदर होता है बहुत अच्छा हो जाता है. मौसम ना ज़्यादा धूप होता है, ना ज़्यादा ठंड होता है, ना ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में. हम अगर गार्डन में जाके देखेंगे, खेलेंगे तो हमको बहुत मज़ा आता है ना. ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और जो फ्लावर्स पे देखिए बटरफ्लाई बैठे हुए हैं, बटरफ्लाई भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं ना गार्डन में जाके. देन ऑटम सीज़न, ऑटम सीज़न में जो पतझड़ का मौसम होता है, इस मौसम में क्या होता है, जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में न्यू पत्ते आते हैं. ओके, नया पत्ता आता है. पतझड़ के बाद क्या होता है, नया मौसम आता है, उसमें पत्ते लगते हैं. ठीक है, ऑटम सीज़न मीन्स जो पतझड़ के मौसम होते हैं उसको बोलते हैं. इस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं. तो ऑटम सीज़न लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर तक ये मौसम होता है सीज़न. ठीक है, द वेदर इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड इन दिस सीज़न. ये इस सीज़न में ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगता है, ज़्यादा ठंड भी नहीं लगता. ओके, मीडियम होता है. मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीज़न. इस सीज़न में क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं. ओके, फिर उसके बाद में नया नया पत्ता आता है. ठीक है, तो हमने थ्री मेन सीज़न पढ़े थे इंडिया के. कौन से समर सीज़न, सेकेंड वन इज़ विंटर, थर्ड वन इज़ रेनी. ओके, इसको हम मानसून सीज़न भी बोलते हैं. और जो टू एक्स्ट्रा सीजन पढ़े, स्प्रिंग सीज़न है, ऑटम सीज़न. ओके, दिस क्लासन इज कम्प्लीटेड. आप लोग का एनुअल पोर्शन कम्प्लीट हो गया. ओके, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर.